मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कैंसल हॉस्पिटल में कोरोना दर्दियों पर म्यूजिक थेरेपी नो अभिनव प्रयोग, अभिनव परिणाम। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। के पछी इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अमदावाद स्थित सिविल हॉस्पिटल संकुल में आवेली कैंसर हॉस्पिटल में कोरोना वॉर्ड पास थी पसार थता होइए अने तमारा कान पर संगीत सुरावलीना आ अर्थसभर शब्दों संभराय तो आश्चर्य न पामता अने रखे एवं मानता कि तमे कोई म्यूजिक हॉल में छो। जो कि आपणे हॉस्पिटल में होइए अने वॉर्डनी बहार संगीत अंताक्षरी संभराय तो आपने आश्चर्य थाय, परंतु आश्चर्यचकित थवानी जरूर नथी। वॉर्ड में म्यूजिकल थेरापी चालती हशे। कोरोनाग्रस्त ने सारवारनी साथे साथे मनोस्थिति पण स्वस्थ रहे ते माटे हॉस्पिटलना रेसिडेंट तबीबों ने टीम दर्दियोंने म्यूजिकल थेरापी आपी रही छे। आ म्यूजिकल थेरापी में तेओ दर्दियोंने अंताक्षरी रमाड़े छे, गीत गवड़ावे छे। वॉर्ड में लागेला टीवी उपर विविध संगीतना भजनना वीडियो बतावामां आवे छे, जेथी वॉर्डनुं वातावरण मधुर संगीतमय बनी रहे छे। कैंसर हॉस्पिटलना नियामक डॉक्टर पंड्या कहे छे कि कोरोनानी सारवार लेता दर्दीओ स्वाभाविकपणे एक प्रकारनी निराशा के दार अनुभवता होय छे। तेमने अहीं अद्यतन सारवार तो अपाय छे, परंतु तन साथे तेमना मननुं पण स्वस्थ रहे ते माटे अमारा डॉक्टरोनी टीम द्वारा म्यूजिक थेरापीनो अमल करायो छे। हॉस्पिटलना तमाम वॉर्ड बिल्डिंगना विविध स्थळोए स्पीकर गोठाववामां आव्या छे, जेमां इंस्ट्रुमेंटल संगीत वगाडवामां आवे छे, जे पण दर्दीओने मानसिक रीते शांतिपूर्ण वातावरण आपे छे। कैंसर हॉस्पिटलना माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंटना हेड डॉक्टर पारिजात गोस्वामी कहे छे कि दिवस दरमियान सवारे 4 कलाक अने सांजे 2 कलाक मरीने कुल 6 कलाक तबक्कावार विविधता धरावता संगीतनी थेरापी આપવામાં આવે છે। અમે આ દર્દીઓ તેની સારવારની સાથે તેમનું મન પ્રફુલ્લિત રહે તે માટે અનોખી પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે। આ દરમિયાન દર્દીઓ સાથે વાતચીત, ગીત, ભજન, સંગીતનું લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન ટીવીમાંથી રિલે કરવામાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મ્યુઝિક બંસરી જેવા વાદ્યોથી તેમને આનંદિત રાખીએ છીએ। આ વોર્ડના દર્દી 33 વર્ષીય ભારતીય આકાશ કહે છે કે હું છેલ્લા 18 દિવસથી અહીં સારવાર લઈ રહ્યો છું। અગાઉ ખૂબ બોર થતો હતો, પરંતુ જ્યારથી આ સંગીત થેરાપી શરૂ થઈ છે ત્યારથી મારું મન અત્યંત આનંદિત રહે છે। અન્ય એક દર્દી કહે છે કે સંગીત સાંભળવાથી મનમાંથી ભયજનક વિચારો દૂર થાય છે અને નવા સારા વિચારો આવે છે। અમારે મન તો ડૉક્ટર ભગવાન છે, પરંતુ મ્યુઝિક થેરાપીથી આ ડૉક્ટરોએ હવે અમારા માટે એક નવું આનંદમય વાતાવરણ ઊભું કર્યું છે। અને એક મહિલા દર્દી તો સૂર સાથે તાલ મિલાવતા ડૉક્ટરોને ઉદ્દેશીને ગાય છે કે તું નારાજ ન હોના, તું મેરી જિંદગી હો, તું મેરી બંદગી હો। મ્યુઝિક થેરાપીના આ પ્રયોગ કોરોનાના દર્દીઓને ઝડપથી સાજા કરવા મ્યુઝિક થેરાપી આગવું માધ્યમ પુરવાર થશે તેવું આ તમામ દર્દીઓ માને છે। સલામ છે આ ડૉક્ટરોના અભિનવ પ્રયોગને। વિશાલ રાજપૂત, ZS TV, અમદાવાદ। अपनी करुणा का जल तू बहा कर। मेरी उम्र अभी 33 वर्ष की है और यहाँ पे मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 18 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जिसका सभी लोगों का साथ सरकार अच्छा मिला है हमको। यहाँ से काफ़ी दिन से बोरिंग लग रहा था, जब से ये म्यूजिक चालू हुआ है तब से थोड़ा माइंड फ्रेश रहा है हमारा और मन भी बदला हुआ है। और यहाँ के डॉक्टर नर्स सर्वेंट सबकी सेवा खूब अच्छी है। जो भी है सब अच्छा काम चल रहा है, खाना पीना अच्छा मिलता है और म्यूजिक भी बजता है तो अच्छा लगता है। संगीत तो अच्छा है ही, संगीत से भी नई किरण जगती है और बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे ठीक है, सर्विस भी अच्छी दे रहे हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आप मेरे डॉक्टर है, भगवान है हमारे के लिए, तो बहुत सेवा करी है हमारी, बहुत सेवा करी है, बहुत सेवा करिए। कि तुम नाराज ना होगा, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि मैं तू बंदगी हो। ना कर दिया बंसी बज के श्याम ने दीवाना,
कर दिया मुझे मस्ताना कर दिया। गुड इवनिंग, मेरा नाम पारिजात गोस्वामी है। मैं गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर एंड हेड हूँ। और पेशेंट्स कोरोना से सफ़र हो रहे हैं उनके लिए मैं और मेरी टीम ने, मेरी टीम में है शेरिल, निखिल, रोशनी एंड संगीता, और राजन भी हमारे साथ हैं, जो हम लोग कंटिन्यूसली पेशेंट्स के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे कि म्यूज़िक थेरेपी है, म्यूज़िक थेरेपी में हम लोग लाइव डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ में, हम लोग गीत गा रहे हैं, और फिर हम लोग भजन है, और फिर अच्छी बातें हैं टीवी से भी रिले कर रहे हैं। और दूसरी एक्टिविटीज़ जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में बहुत ही अच्छी तरह से एक आम आदमी ने जिसने वो फ्लूट बजाया है वो फ्लूट का भी हमने रिले किया है। और योगा की भी जैसे एक्टिविटीज़ है वो भी कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली हम इस में जुड़े हुए हैं और आगे भी हम करने वाले हैं ताकि हमारे पेशेंट स्वस्थ हो के यहाँ से निकले। हम चाहते हैं कि उनको मन की शांति और मन में बहुत ही अच्छी तरह से फीलिंग आए, उस ध्येय से हम इन सब पेशेंट कोरोना पेशेंट के साथ में जुड़े हुए हैं।